हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। यस, बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हर बार सोचती हूँ कि यार अब गैप नहीं लाना है, बट ना जाने क्यों ऐसा कुछ ना कुछ यू नो चलता ही रहता है। पिछले एक साल से इतना ट्रैवल हो जाता है, ट्रैवल मतलब हम कहीं यू नो बाहर से घूमने नहीं जा रहे हैं, बट या घर पे कभी इन लॉज प्लेस, कभी मम्मी के घर, तो इस तरीके से यू नो ब्रेक हो जाता है। बट कोशिश करूँगी, फिर से यही कहूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं अब यू नो गैप नहीं लेके आऊँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा पुराना है, मैंने शूट कर लिया था बट एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो ये कुछ इस जनवरी का है और जिस क्रिसमस का, तो मतलब जनवरी टाइम का वीडियो है। तो मैंने आई कैसे कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, जैसे कि ये बेडशीट एंड मेरी छोटी सी बैल्कनी के लिए आउटडोर फर्नीचर। काफ़ी समय से मैं इसे यू ना लेना चाहती थी, बड़ा क्यूट सा लगता है ये। अभी हम लोगों के बैल्कनी में ना झूला लगा हुआ है बैम्बू वाला, तो उसे मैं हटाने वाली हूँ क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा था। बैल्कनी काफ़ी छोटी है, मैं मेरे हस्बैंड उसको यूज़ बहुत ही कम करते थे, बहुत ही रेयर, मतलब मैं वीडियोज़ बनाने के लिए कभी कभार बैठ जाती थी वरना नहीं। मेरी डॉटर बैठती थी बट वो भी ज़्यादा नहीं बैठती थी, तो मैंने सोचा उसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है और वो उसमें मज़ा ही नहीं कर पाते थे यार, इधर फंसता था कभी इधर लगता था, तो उसे हटा दिया। एंड ये चेयर टेबल हम लगा देंगे, हमारी बैल्कनी के साइज़ में ये ठीक जाएगा। और यू नो मेरा ऐसा था कि इसे यू नो टेबल चेयर लगा देंगे और बढ़िया बैल्कनी में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके साथ साथ हमें मॉर्निंग वाली धूप भी मिल जाएगी। तो इस इंटेंशन से मैंने ये बैम्बू चेयर हटाई और यहाँ पे टेबल चेयर लगाई ताकि मैं, मेरे हस्बैंड या मेरी डॉटर हम लोग यहाँ बालकनी में थोड़ा बहुत इन्जॉय कर पाए। तो यहाँ बालकनी में यू नो मैं थोड़ी लाइट्स लगाऊंगी ताकि शाम के टाइम पे हमारी बालकनी थोड़ी सी यू नो सूदिंग और एस्थेटिक सा एम्बियंस लगे हमारी बालकनी में। और यू नो जब हम रात में कभी डिनर करने का मन हो हस्बैंड के साथ, कैंडल लाइट डिनर, और बस ये लाइट्स लगा लो तो बहुत ही मज़ा आएगा, बड़ा ही प्यारा एम्बियंस लगेगा। तो ज़्यादा कुछ इस बैल्कनी पे नहीं करने वाली हूँ, जो भी पुराना एग्जिस्टिंग मेरे पास था वही सब यूज़ कर रही हूँ एक्सेप्ट टेबल चेयर। तो ये हमारे पास प्लांटर पहले से रखा हुआ था, उसे मैंने हैंग कर दिया एंड ये टेबल चेयर यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी। यू नो मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ कि यार मेरे पास एक बड़ा सा घर हो जहाँ पे बड़ी सी बैल्कनी हो जिसे मैं बहुत अच्छे से यू नो डेकोरेट कर पाऊँ। ठीक है, अभी के लिए इसे हम इंजॉय करते हैं जो है हमारे पास। घर तो ये भी खूबसूरत है मगर यू नो थोड़ा सा छोटा लगता है मुझे, और फर्स्ट फ्लोर में है, मुझे ऊपर रहना ज़्यादा पसंद है। तो भगवान ने चाहा तो ज़रूर हमारे पास एक बड़ा घर होगा और ऊपर होगा। पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है वो डोनू और डोनू की फ्रेंड आई हुई है, तो बच्चे खेल रहे थे घर में। तो यस, हल्ला तो वो करेंगे ही, जितनी भी कोशिश कर लो विदाउट नॉइस वीडियो शूट करने की, बट वो मुमकिन नहीं होता जब घर में बच्चे हो या फिर हस्बैंड हो। सो आइकिया के ना सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं एक्सेप्ट फर्नीचर। फर्नीचर बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है, एमडीएफ मटेरियल यूज़ होता है, तो मुझे मतलब लॉन्ग रन के लिए मैं फर्नीचर आप लोगों को सजेस्ट कभी नहीं करूँगी। बट बाकी सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लाइक फर्निशिंग के लिए या होम डेकोर के लिए, प्लांट्स, प्लांटर्स हो गए, किचन के ऑर्गेनाइजर्स, जार्स, कंटेनर्स, लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स, फ्रिज ऑर्गेनाइजर, क्रॉकरीज, कप, कटलरी, सारी चीज़ें। तो आज डिनर में बन रहा है पास्ता, मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी कुक बना रही है। मेरी कुक बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिस दिन वो नहीं आती है उस दिन मैं खाना बनाती हूँ। एंड अगर हमारे घर पे हाउस हेल्प है, कुक है, तो हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, यू नो मैं दूसरे काम अच्छे से कर पाती हूँ। एंड पता है कि आज तो मैंने बालकनी का मेकओवर किया है, नया टेबल चेयर लगाया है, तो आज तो यू नो पूरा बनता ही है कि हम बालकनी में डिनर करें। तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया था आज तो बैल्कनी में ही डिनर करना है, तो इसलिए मैंने आज पास्ता चूज़ किया डिनर के लिए और यहाँ हमारा बन गया है पास्ता। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला चलो चलते हैं आज बैल्कनी में डिनर करते हैं, तो कहते हैं उन्होंने तो हाथ ही खड़े कर लिए, बोले नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि यू नो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा बैल्कनी में बट मैं डिनर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हैं बाहर। तो मैं अकेले गई और मेरे पीछे पीछे यू नो
मेरी सिस्टर भी आ गई थी बाहर ही, तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे मेन लाइट लगाई थी उसे डिम कर दी, सिर्फ ये जो स्ट्रिंग लाइट लगी हुई है उसे चला के रखा था। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना एम्बियंस। तो यहाँ मच्छर तो बहुत ज़्यादा थे बट ठीक है, मैंने फुल पहना हुआ था तो इतना ज़्यादा नहीं काट रहा था, और मुझे मच्छर वैसे भी ज़्यादा नहीं काटते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत काटते हैं। तो यहाँ हम लोग बहुत मज़े किए, यू नो अच्छा लग रहा था। और ये जनवरी का वीडियो है तो उसमें वेदर भी अच्छा था, ऐसे बॉम्बे में ठंड वंड नहीं पड़ती है तो ठीक था। तो वैसे देखा जाए तो ये कैंडल लाइट डिनर हो गया ना। तो यस, रात हो चुकी थी, मैंने अपना स्किन केयर किया एंड अब हम चलते हैं सोने। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, मेरी बैल्कनी कैसी लगी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।